हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आप सबको हर हर महादेव। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। हम रात को ही पहुंचे थे। रात को नहीं, कितने बजे पहुंचे थे? सुबह सुबह पहुंचे थे हम 6 बजे हरिद्वार। एक घंटा में होटल रूम ढूंढने में लग गया। उसके बाद फिर अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बजे 1:40। तो हम अभी रेडी हैं सारे। अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। तो अभी गंगा जी में लगाएंगे डुबकी। तो चलो आप भी साथ ही चलो। चलो उठ जाओ, अब लेट हो रही है। देखो 1:42 हो गए। मैं रात से चश्मे लगा के सोई तो है पगलेट। तू रेडी है? लेट्स गो गाइस, उठ जाओ। कानू को उठा दिया? हाँ। चलो। हाँ भाई कच्चड़ भैया रेडी हो? पहले से। चलो भाई। सो गाइस, होटल से कर रहे हैं चेकआउट। कर ही दिया चेकआउट। और वो देखो, वो खड़ी सामने हमारी एक्सयूवी। अभी चलो, बहुत गर्मी हो रही है। उस पे वेदर पे तो ये दिखा रहा था कि बादल है और बारिश है, लेकिन देख लो गाइस बहुत गंदी धूप है। लेकिन कोई नहीं, चलो अभी वहाँ चलते हैं हर की पैड़ी। गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे और मज़ा आएगा फिर गर्मी में नहाने का, क्योंकि पानी होएगा बिल्कुल ठंडा। तो भाई हमें 1 घंटा लगा हरिद्वार की गाड़ी में हरिद्वार की पार्किंग में गाड़ी लगाने में। और अभी हमने खरीद लिया है परना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टैनिंग हो जाएगी गंदी, तो इसलिए हमने परने ले लिए 2, एक मैंने एक विनय ने। कर दे भाई, गर्मी है बहुत, गर्मी है यार। वो वाला कलर दे दे मेरे को, मेरे पे देख ऐसी पट्टी है, मेरे को ये वाला दे दे। भगवा कलर? यस आई वांट भगवा कलर। भगवा तू मेरा ले ले। कलर क्या मैटर करेगा इसमें, सही लगता है यार। okay. कलर देख, ये वाला बढ़िया लगेगा। तो भाई हम आ गए हैं हर की पौड़ी पे, मतलब हर की पौड़ी पे पहुंचने वाले हैं। ये एंट्रेंस है। और वो देखो, वो है पीछे मनसा देवी माता का मंदिर, वहाँ भी जाएंगे हम गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद। और भाई ये मेरे को देख लो, मैं बन गई बहू क्योंकि धूप इतनी हो रही है भाई, पूरा मुंह छुपा के चलना पड़ रहा है। इतनी मुश्किल से अभी अंडमान की टैनिंग थोड़ी बहुत कम हुई थी, अगर अभी मुंह नहीं छुपाया तो यहाँ पे और गंदी टैनिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो गंगा मैया के दर्शन करवाता हूँ। देखो भाई वहाँ से बच्चे कूद रहे हैं केकर के, देखो ये जा रहे, ये कूदा, ये देखो ये कूदा। ओ भाई ये सही तैर के वहाँ चले जाते हैं, बढ़िया। तो भाई रचित देखो, चल बिना 7 डुबकी लगाता हूँ लगातार, ठीक है, चल बिना रुके नॉन स्टॉप, ठीक है। लेकिन थोड़ा इधर आ जा ना, ठीक है। यहाँ पे ना यहाँ पे सीढ़ी आया जो स्लिपरी है, वहाँ पत्थर है। अच्छा वहाँ पे ग्रिप कर, रस्सी पकड़ ले, पकड़ रखी है, पकड़ देना भाई थोड़ी सी, पकड़ ले। करे हाँ, 4 चल भाई, 5 ये हो गई, कितनी होगी, 8 हो गई, 8 हो गई। देखो मजा आ रहा है यार। लो भैया गंगा मैया के दर्शन तो कर लिए, अब कर लो जी
गंगा मैया के मंदिर के दर्शन। ये देखो बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर और पुराना। ये देखो भाई गंगा मैया का मंदिर पास से। कहाँ है गंगा मैया, कहाँ है ये रही गंगा मैया। ना 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 ये नहीं है, ये रही गंगा मैया। जय कर लो गंगा मैया की और जल्दी से कमेंट भी कर देना। तो गाइस गंगा मैया में स्नान करने के बाद हम सब ने भी करा और साथ में कानू ने भी गंगा मैया में स्नान किया। अभी हम सब जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर जो कि ऊपर जाके है, यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे और फर्स्ट टाइम मनसा देवी चढ़ाई हम पैदल नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे उसमें जाने की। ट्रॉली बोलते इसको, क्या बोलते वैसे, रोपवे। तो चलो आज सारे फैमिली के साथ रोपवे में जाएंगे ऊपर। भाई ये देखो बंदरिया बैठ के सो रही है। अरे जग्गी डिस्टर्ब मत करो, दोबारा सो गई, नींद हो रही है, ऐसे बैठ के सो रही है, देखना बहुत सारे बंदर हैं ये रे। मस्त सो रही है आराम से। बाकी गाइस अनफॉर्चुनेटली रोप वे से नहीं जा पाएंगे हम क्योंकि 2 घंटे की वेटिंग थी, तो अभी हम पैदल ही कर रहे हैं चढ़ाई मनसा देवी मंदिर की। ये देखो हमारे पीछे जा रही है रोप वे, पर हम वेटिंग के चलते नहीं जा पा रहे, पैदल ही जाना पड़ेगा। अब वेटिंग करने से अच्छा तो पैदल जाना ठीक है। मोबाइल छीन लेगा बंदर है। चलो भाई मोबाइल रख लेता हूँ अंदर, कभी छीन के जाता रहे, अगर छीन लिया तो समझ लेना आगे व्लॉग नहीं आ पाएंगे। ये देखो भाई लॉट्स ऑफ लंगूर बंदर, कितने सारे ये बैठे अभी देखो आगे चल के और दिखेंगे मस्त। हम पैदल चढ़ाई कर रहे हैं ना तो बहुत सारे। ओ भाई आया देखो वो भाग गया, ये रहा। ये कुछ नहीं करते, ये लंगूर कुछ नहीं करते, वैसे वाले काटते हैं और सामान छीनते हैं, ये वाले थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। देखो पानी की बोतल लेके बैठा एक, तो बिसलेरी की, और ये थैली में से कुछ खा रहा है एक, ये बैठा एक बंदर। ये भाई हरिद्वार का व्यू ऊपर से मस्त। ये देखो भाई ये जा रही है रोप वे जिसमें हम नहीं जा पाए, और विनय के हो गए बुरे हाल, इसकी शक्ल देखो एक बार। आ जा भाई आ जा आ जा सरदालू सरदालू। भाई पीछे पता क्या हुआ? क्या हुआ? एक बंदा आया, कह रहा भैया आप तो खच्चर भैया ऊपर तक छोड़ दोगे, कहा भाई पहले मैं खुद तो चढ़ जाऊँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर। ये देखो हमारे ये रहा पीछे रेड कलर का मनसा देवी का मंदिर। और बचपन में वो गाड़ी में गाना गा रहा था मैं, कैसे था वो, मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में, ये गाना आप लोगों ने भी सुना होगा बचपन में, हमने बहुत सुना है क्योंकि हम बचपन में नवरात्रों में भी चलाते थे, और बचपन में हम लोग ये लगा लो हर साल हर 2 साल में या हर साल हमारी फैमिली वेकेशन हरिद्वार में ही होती थी। तो चलो अभी माता रानी के दर्शन करते हैं। पक्का यहाँ से जाएगा? हाँ मैं चला जा। अरे पैर फिसल जाएगा ना चित, रहने दे। अरे कुछ नहीं हुआ, अबे कुछ थोड़ी है, देख वो खड़े वो लोग उन तक पहुंच जाऊंगा पहले, और अगर पैर रपटा और देख वहाँ पे देख वो तार भी है वहाँ पे। अरे बहुत इजी है यार पकड़ना। हाँ। तू रुक जा मेरे यार, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। हाँ ठीक है भाई चल। चलो जी बाय गाइस। ये भाई देखो जा रहा है, ध्यान से जाइयो। चीनू जाना है यहाँ से? जाना है तू रहने दे। अरे नहीं इसको ही जाने दो, देख आराम से। हाँ वेरी गुड। हाँ फंस गया? अरे ओए बच गया, लंबी लंबी टांगे काम आ गई आज। वो गाइस पहुंच गया देखो नीचे तक, वो जा रहा। ओए ओए चलो चल के हम पैदल चलते हैं। ना भाई पैदल जा रहा हूँ पैदल। चलो चलो। तो भाई हमारा day 1 ट्रिप का चल रहा है और रात हो गई है, और हम लोगों ने हरिद्वार में भाई गंगा स्नान किया, उसके बाद माता मनसा देवी गए ऊपर चढ़ाई करके। पहले हमारा प्लान था उससे रोप वे से जाने का, पर उसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग थी तो जा नहीं पाए, लेकिन पैदल भी खूब मज़ा आया, सबने बहुत मस्ती करी रास्ते में। ज़्यादातर रास्ते की मस्ती इसके व्लॉग में देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि रास्ते में इसने बहुत मतलब व्लॉग बनाया, मैं इतना नहीं बना पाया। कैसा रहा टूर फर्स्ट डे का? बढ़िया लगा, शाम को मतलब गर्मी नहीं थी ना तो इसलिए बहुत मजा आया, ये लग रहा था कि एक बार और चढ़ और उतर सकते हैं। ये बात मैंने बोली थी तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। अच्छा सोना की। हाँ मजा आया। हाँ मजा आया बहुत। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं ऋषिकेश, वैसे हमें नीलकंठ जाना था पर नीलकंठ हम अभी नहीं जा रहे क्योंकि अभी रात हो गई है, और रात को मंदिर वो हो जाता है बंद,
तो मतलब रास्ता भी फिर ऐसा ही है कि रात को मतलब इतना कुछ पहाड़ चढ़ना होता ना भाई, तो वाह भाई वाह। इसने एकदम से मारा बहुत गंदा कट, वो याद आ गया अभी ना मेरे को, उस लड़की ने जो कट मारा था एक बार गुड़गांव के रोड पे, वो वाला सीन याद आ गया, हालांकि उसका ज्यादा गंदा कट था। हाँ तो भाई मैं कहता नीलकंठ हम अभी रात को नहीं जा रहे, अभी हम ऋषिकेश जा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे और जाएंगे हम उत्तराखंड में, फिर जब हम वापस आएंगे ना घर की तरफ तो नीलकंठ होते हुए हम घर निकलेंगे। हाँ मतलब रास्ते में जो भी स्पॉट्स पड़ेंगी हम सारी होते हुए ही जाएंगे, तो अभी अभी तो हम चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश है 15 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 304। पता नहीं अगर मूड बना तो बद्रीनाथ भी निकल जाए या फिर केदारनाथ भी निकल जाए, कुछ नहीं पता अभी तक तो, हालांकि प्लान नहीं है बट कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल दुनिया है। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए हैं लक्ष्मण झूला, मतलब अभी हमारे 100 मीटर चलने के बाद लक्ष्मण झूला आएगा। अभी हम लक्ष्मण झूला की पार्किंग में हैं। तो पानी वानी क्या है, वो कैसे बंद कर? तो भाई ये देखो हम लक्ष्मण झूला आए थे बट अभी यहाँ पे आके पता लगा कि अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के इसको कर रखा बंद, तो हम आगे नहीं जा सकते। सब कुछ चल रहा है 12 बजे तक, उन्हें तो अपने पार्किंग के पैसे चाहिए थे ना बस, इसलिए उन्होंने बताया नहीं कि बंद है। तो भाई यहाँ पे आके तो निराशाजनक हो गए हम थोड़े से, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जा नहीं सकते आगे। लेकिन उनको बताना चाहिए, झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं बताया के ऊपर बस। हाँ इतना पैदल भी चल के आए हम, तो बहुत पैदल चल के आए हैं, अभी तो हम उतर के आए, अभी हमने चढ़ाई करनी है वापस जाते टाइम। और यहाँ पे आके भी इतनी झूठ बोल रहे हैं लोग, बताओ पैसे की माया, पैसे के पीछे भागते हैं लोग सब, ऐसा गलत है ना ये सब। सो गाइस बहुत ज्यादा धक्के खाने के बाद फाइनली हमें होटल रूम मिल गया है, क्योंकि एक तो हम रात को बहुत लेट होटल ढूंढ रहे थे, बताऊं कितने बजे? अरे यार देखो 1:47 पे हमें होटल रूम चेक इन हुआ हमारा, और हमने वैसे तो डबल स्वीट रूम ले लिए, ये देखो एक रूम ये है, ये बंद हो जाता है ऐसे और इधर एक रूम ये है, तो ये बढ़िया हो गया, दोनों रूम इकट्ठे हमारे साथ में मिल गए। भाई बहुत हमें धक्के खाने पड़े क्योंकि रात को ना कहीं कुछ भी नहीं मिला हमें रहने के लिए, फिर हम पहले ऋषिकेश से आगे शिवपुरी चले गए थे, शिवपुरी में हमने बहुत ढूंढा, बहुत ये लगा लो हमने 1.5 घंटे तक होटल रूम ढूंढे होंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। एक आधे मिल रहे थे वो ऐसे ही उल्टे सीधे रेट बोल रहे, रात भर गुजारने के 10,000 रुपये, तो हमने सोचा यार क्यों फालतू में इतना वो करना। फिर हम वापस आए अभी ऋषिकेश, यहाँ पे आके हमने अभी होटल ढूंढा है, अभी जस्ट मुंह धोया है थोड़ा, हाथ मुंह धोया आराम से, और अभी करने जा रहे हैं हम रिलैक्स, मतलब सोने जा रहे हैं। अब कल देखते क्या होता है, आज हम कुछ कर ही नहीं पाए खास, लक्ष्मण झूला भी बंद था और ऋषिकेश में भी फिर वही रात हो गई थी, तो यहाँ पे सब बंद ही हो जाता है, तो देखते हैं यार कल का क्या होता है। कल यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी लाइक बंजी जंपिंग वगैरह और भी काफी सारी एक्टिविटीज है। हाँ कल सुबह है ना सब जल्दी उठ जाना, क्योंकि मुझे राफ्टिंग करनी है। ओके तो भाई राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, देखते हैं क्या हम करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो तो कल ही पता लगेगा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बाकी हमारा मन तो है कि हम सब कुछ करें, तो देखते हैं भाई क्या होगा, बने रहना ब्लॉग में, आपको सब पता लग ही जाएगा। लेकिन आज बहुत बीटी वाला दिन था, मतलब बहुत धक्के खाने वाला दिन था, लेकिन हरिद्वार में हमने बहुत मजा किया, ऋषिकेश में आके धक्के खाने पड़े थोड़े से। मनसा देवी हम गए थे, बहुत इंजॉय करा हमने हरिद्वार में, हमने खूब इंजॉय किया, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। चलो यार अभी सोता हूँ, सोने से पहले ये ब्लॉग भी तो एडिट करूँगा, फिर सोऊंगा, तो इसलिए इसको करता हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। कल मिलते हैं फिर 11 बजे ब्लॉग के साथ, बाय, लव यू, टेक केयर गाइस, बाय, चलो बाय।